हाँ दोस्तों, मेरा नाम जानी और आज मैं आपको साइंस का चैप्टर बताऊंगा, कंपोनेंट ऑफ फूड साइंस का। और इसमें आपको तीन चीज़ें बताऊंगा, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, और आपने याद कर ली तो आपको आगे चल के बहुत काम आएंगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, टेस्ट ऑफ स्टार्च स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं। और दूसरा मैं बताऊँ, टेस्ट ऑफ प्रोटीन प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं। और लास्ट वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट वाला है बहुत फैट फैट का टेस्ट कैसे करते हैं। ये तीनों इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला है, पहले से पहले आपको एक जानकारी और दे दूँ, जो न्यूट्रिएंट्स 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5। पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, 5 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको पहली चीज़ बताऊँ, टेस्ट ऑफ स्टार्च स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं। टेस्ट ऑफ स्टार्च स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्टार्च में जैसे कोई चीज़ लिए अपन ने, जैसे पोटैटो लिया, तो उसमें जैसे ये पोटैटो है, आप समझिए मैं आपको ड्राइंग बताऊं, जैसे ये पोटैटो है, एक मिनट, जैसे कि ये पोटैटो है, इससे आयोडीन की 2 से 3 ड्रॉप अपने डाला, उस पर जो आएगा ब्लू ब्लू ब्लैक अगर कलर आ गया, अगर ब्लू ब्लैक कलर आ गया समझ जाइए स्टार्च है, नहीं तो नहीं है। अगर नहीं आया तो मैंने आपको पहला तरीका बता दिया है, बहुत ही आसान तरीका है, सबसे आसान फैट का है, लास्ट बताऊंगा वो। अब अगला जो है वो है प्रोटीन प्रोटीन टेस्ट ऑफ प्रोटीन। टेस्ट ऑफ प्रोटीन टेस्ट ऑफ प्रोटीन प्रोटीन में मैंने कुछ सामान कुछ लिया, अब उसको अपन ने क्रैश कर लिया, कुछ भी ले लो जो आपके घर में, क्रैश किया मिक्सी में जिसमें करना हो, उस पर फिर आपको करना क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ इस प्रकार का होता है, उसमें यहाँ तक ले लेना है इसको, और उस पर 10 ड्रॉप आपको डालना है इधर तक कास्टिक सोडा, 2 ड्रॉप डालनी है इधर तक हो जाएगा कॉपर सल्फेट, अगर इतना ही लिया डालना है जो उसमें सामान अपने नीचे डाला था प्रोटीन का, अगर उसमें वायलेट कलर आ गया, अगर उसमें वायलेट कलर आ गया समझ जाइए कि वो उसमें प्रोटीन है। जैसे पल्स में आप देख सकते हैं, हमने जो बताऊंगा फैट का वो बहुत ही आसान है और कई लोगों को जल्दी भी याद होता है, बताऊंगा। अब जैसे कि बताऊं मैं आपको टेस्ट ऑफ फैट फैट का टेस्ट कैसे करेंगे। टेस्ट ऑफ फैट अब जैसे कि ये टेस्ट करना है, जैसे मैंने कोई आलू की चिप्स ली, क्या मैंने अपने एक टिश्यू पेपर लिया, जैसे कि ये टिश्यू पेपर है, इस पे आलू की चिप्स रख दी, ठीक है, इसको अपन को थोड़ा प्रेस कर लेना है, उस पे टिश्यू पेपर ऑयली पेट सा अगर दिख गया ऐसा सा निशान समझ जाइए वो उस पे फैट है। क्या है फैट? ये पहला तरीका। जो दूसरा तरीका है वो और ईजी है, करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना, बस आपको 2 टिश्यू पेपर लेने हैं। मैंने 2 टिश्यू पेपर लिए, एक पे आपको वाटर डालना है, वाटर की बूंद, और एक ड्रॉप को थोड़ा सा वो लगाना है, आपको क्या लेना है ऑयल। अब देखिए जो वाटर होगा अगर धूप में रख देना है, अब जो वाटर होगा वो उससे कारण वो भाप बन के उड़ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, ये
ये उड़ जाएगा। लेकिन जो ये है ये नहीं उड़ सकता, कभी नहीं उड़ेगा, उसका निशान बना ही रहेगा। समझ जाइए इसमें फैट है, क्या है इसमें फैट है। अब मैं आपको सबसे तीसरा तरीका बताऊं, जैसे कि एक टिश्यू पेपर है, हमने टिश्यू पेपर लिया ठीक है, अब इस पर जैसे अपने ऑयली पैच बना दिया, इसको दो 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 से तीन चार दिन के बीच ऊपर रख दो सूखने है, तो ये इसमें जो स्मेल आएगी वो बहुत स्मेल आने लगेगी इसमें। पहले जब अपन ताज़ा ताज़ा करेंगे तो स्मेल नहीं आएगी, लेकिन दो से तीन चार दिन अपन ने रख दिया कहीं पर भी ऊपर कहीं पर भी, तो इसमें स्मेल आने लगेगी अलग टाइप की। अगर स्मेल आने लगी, अगर वाटर होगा, वाटर तो हट जाएगा मतलब उड़ जाएगा, लेकिन ये होगा इसमें स्मेल आने लगी, अगर स्मेल आने लगी समझ जाइए कि इसमें फैट है। तो मैंने आपको सब जानकारी दे दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय, नमस्कार।